नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो यह है उत्तर प्रदेश विशेष का पार्ट वन होगा। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश में UPSI, यूपी पुलिस, SSSC, PCS सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और अपने दोस्तों भी शेयर करें क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है। तो इसका ऑप्शन दिया है बस्ती, फैजाबाद, गोंडा, उन्नाव। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बस्ती। बस्ती में स्थित है बखीरा पक्षी विहार। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, पहला मोर, सारस, तोता, कोयल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सारस, राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कांशीराम नगर, तीसरा महामाया नगर, चौथा संत कबीर नगर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कांशीराम नगर, जो कासगंज में स्थित है। ठीक है, 71वां जनपद है ये। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला आगरा, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा लखनऊ, चौथा वाराणसी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा नहीं जोड़ता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, एक नंबर चित्रकूट, दूसरा जौनपुर, तीसरा संत रविदास नगर, चौथा सोनभद्र। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सोनभद्र, जो इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं लगती इसकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, पहला बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सिख। ठीक है, ये तीसरा प्रमुख धर्म है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। पहला ऑप्शन दिया है धमार, दूसरा बिरहा, तीसरा टंप, चौथा कव्वाली। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बिरहा, सेकंड नंबर सही है। ठीक है, बिरहा जो लोकगीत है, प्रमुख लोकगीत है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलाने का स्थान है। तो कौन सा स्थान है जो 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग मिलाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है भोपाल, दूसरा ग्वालियर, तीसरा झांसी, चौथा नागपुर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा झांसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, कजरी के लिए, दूसरा चरकुला नृत्य के लिए, तीसरा पनवरा के लिए, चौथा नकटा के लिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कजरी के लिए। ठीक है, कजरी के लिए ये मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है, कर्मा लोक नृत्य है। पहला है महोबा, दूसरा पूर्वांचल, तीसरा सोनभद्र, चौथा ब्रज। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सोनभद्र, कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, पहला वृंदावन, दूसरा बरसाना, तीसरा मथुरा और चौथा गोकुल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बरसाना, जो कि काफ़ी फेमस है, बरसाना की लठमार होली। इसका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन इसका दिया गया है आगरा पहला, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है कानपुर, चौथा वाराणसी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कथक संस्थान स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा वाराणसी, चौथा गाजियाबाद। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कानपुर। ठीक, अगला जो प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश को विभाजित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 11 शुष्क जलवायु में, दूसरा दिया है ऑप्शन 9 शुष्क जलवायु में, तीसरा ऑप्शन दिया है 7 शुष्क जलवायु में, चौथा ऑप्शन दिया है 5 शुष्क जलवायु में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही है, 9 शुष्क जलवायु में। अगला जो प्रश्न है, यूपी में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो ऑप्शन इसका दिया है, पहला सारनाथ, दूसरा दिया कौशाम्बी, तीसरा दिया है देवीपाटन, चौथा दिया कुशीनगर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी, जो जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो पहला इसका ऑप्शन दिया है घाघरा, दूसरा गंडक, तीसरा राप्ती, चौथा सरयू। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ठीक है, राप्ती नदी के। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, ए आगरा, बी दिया है भोपाल, सी दिया है धुले, डी दिया है ग्वालियर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा भोपाल,
जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है, लखनऊ आगरा ग्रिड फील्ड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? तो इसका ऑप्शन दिया है ए कानपुर नगर, दूसरा दिया है हरदोई, तीसरा ऑप्शन दिया है फिरोजाबाद, चौथा ऑप्शन दिया है कन्नौज। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कानपुर नगर, ठीक है, कानपुर नगर से यह नहीं गुजरता, लखनऊ आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? तो ऑप्शन इसका है ए चित्रकूट, दूसरा जो है हमीरपुर, तीसरी दिया है महोबा और डी दिया है श्रावस्ती। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो था 2011 के अनुसार वह है महोबा, इसका ऑप्शन सही को महोबा। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो ऑप्शन इसका दिया ए बलिया, बी दिया देवरिया, सी दिया है गोरखपुर, डी दिया है रामपुर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी रामपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है तेल शोधन शाला मथुरा, बी ऑप्शन दिया है उर्वरक संयंत्र लखनऊ, सी ऑप्शन दिया है कालीन उद्योग जो भदोही दिया है, और डी ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम उत्पादन जो सोनभद्र में दिया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, उर्वरक संयंत्र लखनऊ यह सम्मिलित नहीं है, ठीक है, और सब सम्मिलित हैं। अगला जो ऑप्शन है वह उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, ए ऑप्शन दिया है रायबरेली में, बी ऑप्शन दिया है कानपुर में, सी ऑप्शन दिया है इलाहाबाद में, डी ऑप्शन दिया है अमेठी में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा रायबरेली में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी? ए ऑप्शन दिया 1950, बी ऑप्शन दिया 1960, सी ऑप्शन दिया 1965, डी ऑप्शन दिया 1970। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1960। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए ऑप्शन दिया है बरेली, बी ऑप्शन दिया कानपुर, सी ऑप्शन अलीगढ़, डी ऑप्शन झांसी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन दिया है ए केरल, बी दिया है राजस्थान, सी दिया है बिहार, डी दिया है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश वह है बिहार। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है? तो कितना है ये पूछा है, तो ए ऑप्शन दिया है 44.40%, बी दिया है 56.50%, सी दिया है 65.20% और डी दिया है 70%। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 70%। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के में प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो इसका जो ऑप्शन दिया है पहला बहराइच, दूसरा वाराणसी, तीसरा सोनभद्र, चौथा लखीमपुर खीरी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। अगला जो प्रश्न है वह है, लखनऊ जिले की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? ए ऑप्शन दिया उन्नाव, बी ऑप्शन दिया हरदोई, सी ऑप्शन दिया बलिया और डी ऑप्शन दिया है बाराबंकी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बलिया। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो इसका जो ऑप्शन दिया ए दो राज्यों की सीमा, बी दिया ऑप्शन तीन राज्यों की सीमा, सी दिया पांच राज्यों की सीमा और डी दिया है चार राज्यों की सीमा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा चार राज्यों की सीमा, ठीक है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन में है आलू, बी दो ऑप्शन में है चावल, तीन ऑप्शन में है गन्ना, चौथे ऑप्शन तंबाकू। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आलू और गन्ना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा एक और तीन, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, आलू और गन्ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।